गदर 2 फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 130 करोड़ कमा लिए हैं। मंडे में ये फिल्म 25 से 30 करोड़ रुपए कमाएगी और इंडिपेंडेंस डे पे 50 करोड़ से ज़्यादा, मतलब सिर्फ 5 दिन में ये फिल्म कमा लेगी 200 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। और इस फिल्म के कलेक्शन में एक खास बात यह है कि पठान की तरह फिल्म का कलेक्शन ओवर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बिल्कुल ऑर्गेनिक कलेक्शन आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद सनी देओल को एक बड़ा नुकसान हो गया, उनके चेहरे पर यह फिल्म चल रही है। उन्होंने खास करके मूवी के सेकंड हाफ में वही एनर्जी दिखाई जो वो अब से 20 साल पहले अपनी फिल्मों में दिखाते थे। ऐसा साफ दिखा कि सनी देओल काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे इस फिल्म के लिए और उनकी एनर्जी लेवल ऐसा था, साउथ वाला एक्शन तो था ही फिल्म में, जिनको साउथ वाला एक्शन पसंद आ जाता है बेसिर पैरेगा, उनको इस फिल्म का भी एक्शन पसंद आया है। लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि जो एनर्जी सनी देओल ने दिखाई चिल्लाने में, वो साउथ के सारे एक्टर मिलके नहीं दिखा सकते। और यही कारण है कि इस फिल्म को सनी देओल अकेले अपने कंधों पर लिए हुए हैं। यह फिल्म 500 करोड़ भी कमाएगी और शायद ऐसा भी हो कि जवान रिलीज होने से पहले पठान का जो 543 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस था उसको पीछे छोड़ दे, और ऐसा होने के आसार भी हैं। लेकिन सनी देओल को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दरअसल में सनी देओल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया, वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ एज एक्टर काम कर रहे हैं। जबकि शाहरुख खान पठान में को प्रोड्यूसर थे, इसीलिए उनको उस फिल्म से 200 करोड़ रुपए मिले। लेकिन यहाँ पर सनी देओल को सिर्फ और सिर्फ उनकी फीस मिलने जा रही है, और फिल्म के 500-600 करोड़ कमाने के बावजूद भी सनी देओल को सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। जबकि हकीकत तो यही है कि ये फिल्म जितना भी बिजनेस करने जा रही है उसका 80% सनी देओल के फेस पे, गदर वाले जो सनी देओल थे उनके दम पे ये फिल्म बिजनेस करेगी। लेकिन अफसोस, सनी देओल को उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना वो डिजर्व करते हैं। अगर वो को प्रोड्यूसर होते तो आसानी से वो 100 करोड़ रुपए इस फिल्म से कमा लेते। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।